What's poppin'? Hi, Super Kids. Welcome back to school, where magic never stops, adventure never ends. Super Kids, जैसे ही कंधे पर झोला लटकाए डाकिये को बच्चे देखते हैं तो चारों ओर शोर हो जाता है। और मुझे इस वक्त एक बहुचर्चित गाना याद आ रहा है, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। डाकिया अपने साथ कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ सुखद, कुछ दुखद संदेश लाया करता है। एक कागज़ के टुकड़े पर देश विदेश के हाल पता चलते हैं। चिट्ठियों के जरिए हर अपने पराए की खबर पहुंचती है। खाकी वर्दी वाले डाकिये से आई चिट्ठी में व्यक्ति का चाल, चरित्र, चेहरा उभर आता है। सही साइकिल की घंटी बजती है, घर के लोग दौड़ पड़ते हैं। कागज की उन चिट्ठियों में रिश्तों की फिक्र, खेत खलिहानों, बेटे बेटियों की शादी की जिक्र होती है। मन की बात पता चलती है, पूरा गांव एक परिवार सा नजर आता है। चिट्ठी तार से बेतार हुई और चिट्ठियों का रंग ही गायब हो गया। अब मोबाइल में आपको केवल चित्र नजर आते हैं। चिट्ठी की खुशबू मोबाइल के असर तले गायब ही हो गई। प्यारी सी रिमझिम पाठ्य पुस्तक से हम पढ़ेंगे डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। आइए माँ शारदे श्वेत वसना को नमन करें और उनका आशीर्वाद लेकर पाठ को पढ़ें, आगे बढ़ें। कक्षा 5 रिमझिम पाठ्य पुस्तक पाठ 7 डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी, जो एक भेंट वार्ता यानी कि साक्षात्कार, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड अ इंटरव्यू, उसको जिसमें इंटरव्यू लेने वाली हैं प्रतिमा शर्मा। उद्देश्य पाठ को पढ़ने का जान लेते हैं। हमें अपने कार्य के प्रति सदा समर्पित, निष्ठावान और ईमानदार रहना चाहिए। समाज सेवा की भावना दिल में बसाकर अपने कार्यों के प्रति गर्व महसूस करना चाहिए। कर्म ही पूजा है, इस बात को सदैव अपने मन में बिठा लें, गांठ बांध लें। उच्चारण पर ध्यान दो, लिखो बाद में, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का तभी जीत सकोगे युद्ध। तो श्रुतलेख के शब्द देख लेते हैं। शिमला पोस्ट ऑफिस, छांटने प्रदेश, असाधारण तिरछी, ढलानों हजारों, बारहवीं चिट्ठियां, रजिस्ट्री पेंशन सम्मान, पोस्टकार्ड इकट्ठे, इंतजार लाहौल स्पीति, मुख्यालयों टेलीफोन, ग्रामीण किन्नौर, रिकांग पियो बर्फबारी, स्नो बाइट गैंगरिन, इम्तिहान मुश्किल, प्रतिदिन तबादला, ऑफिस चौकीदारी, अस्पताल बेस्ट पोस्टमैन, गर्व। शब्दार्थ, बनना है समर्थ तो करो शब्दार्थ। निवासी रहने वाला रेजिडेंट, ग्रामीण गांव वाला, नियुक्ति तैनाती अपॉइंटमेंट, मुख्यालय हेडक्वार्टर किसी संस्था का केंद्रीय स्थान कार्यालय, परीक्षा इम्तिहान प्रतिदिन हर रोज डेली, तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाना, स्थानांतरण बदली जिसे आप ट्रांसफर भी कहते हैं, नजदीक करीब पास, प्रशस्ति प्रशंसा स्तुति प्रेज, पैकर पैकिंग करने वाला व्यक्ति, फटाफट शीघ्रता से जल्दी जल्दी, जरिया साधन भयंकर डरावना भीषण। आइए प्रश्नोत्तर करें। डाकिया किसे कहते हैं? उत्तर, डाकिया एक सरकारी पद है, वह भारतीय डाक सेवा विभाग में काम करता है, उसे डाक सेवक भी कहते हैं। प्रश्न 2, डाक सेवक को क्या क्या काम करना होता है? उत्तर, डाक सेवक को चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि देने, गांव या शहर के हर घर तक जाना होता है।
डाकिया कंवर सिंह को कब और कौन सा इनाम मिला? उत्तर, कंवर सिंह को वर्ष 2004 में बेस्ट पोस्टमैन का इनाम मिला। प्रश्न, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का इनाम क्यों मिला? कंवर सिंह ने अपनी जान पर खेलकर डाक की चीज़ों को बचाया था, इसी बहादुरी के लिए उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का इनाम मिला। आधुनिक समय में सूचना और संदेश के नए नए क्या तरीके हैं? उत्तर, फोन, मोबाइल फोन, ईमेल, फैक्स इत्यादि। प्रश्न, डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी अध्याय में डाकिये का क्या नाम था? उत्तर, कहानी में डाकिये का नाम कंवर सिंह था। प्रश्न, हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में डाकिये को किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता होगा? उत्तर, डाकिये को पैदल चलकर सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में डाक पहुंचानी होती है। खराब, बर्फीले और जंगली रास्तों पर चलना मुश्किल होता होगा। जंगली जानवरों के हमले का भी डर उनके साथ हमेशा रहता होगा। प्रश्न, डाकिया कंवर सिंह को कब और कौन सा इनाम मिला? कंवर सिंह को वर्ष 2004 में बेस्ट पोस्टमैन का इनाम मिला। कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन का इनाम क्यों मिला? ये थोड़ा डिटेल्ड आंसर है। कंवर सिंह ने डाक की चीज़ों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर अनजान बदमाशों से मार खाई। बदमाशों ने कंवर सिंह को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उनके सिर पर भारी प्रहार करने के कारण सिर फट गया, वह बेहोश हो गए। जान पर खेलकर डाक की चीज़ों को बचाने के लिए भारत सरकार ने उन्हें बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम उन्हें 2004 में इसी बहादुरी के लिए दिया गया। गतिविधियां। प्रश्न, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर से इनका मूल्य पता करो। तो ये जो काम है छात्र स्वयं करेंगे। प्रश्न, डाकघर से कुछ टिकट लेकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। टिकट संग्रह को क्या कहा जाता है, पता करो। उत्तर, डाक टिकटों के संग्रह को डाक टिकट संग्रह या फिलैटली कहा जाता है। डाक टिकट इकट्ठा करना एक शौक है। प्रश्न, कंवर सिंह कौन है? उसके एक बेटे की मौत कैसे हुई? उत्तर, कंवर सिंह भारतीय डाक सेवा में डाक सेवक है, जो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी है। उसकी उम्र 45 साल है। उसके 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। उसका एक और बेटा था जो गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। प्रश्न, कंवर सिंह को डाक सेवक के रूप में कौन कौन से काम करने होते हैं? उत्तर, चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि पहुंचाने। कंवर सिंह को गांव-गांव जाना होता है। प्रश्न, गांव में डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान किया जाता है, क्यों? उत्तर, गांव में डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान किया जाता है क्योंकि उसे देवदूत माना जाता है। वहां पर आज भी संदेश पाने का सबसे बड़ा साधन या जरिया डाक ही है। गांव के लोग अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतजार करते हैं। प्रश्न 4, आप कैसे कह सकते हैं कि कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है? उत्तर, कंवर सिंह को अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इस नौकरी की बदौलत उसे मनी ऑर्डर पहुंचाने पर, रिजल्ट या नियुक्ति पत्र पहुंचाने पर, पेंशन पहुंचाने पर लोगों का खुशी भरा चेहरा देखने को मिलता है। प्रश्न, पहाड़ी इलाकों में डाक पहुंचाने में कंवर सिंह को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? उत्तर, पहाड़ी इलाकों में ठंड बहुत पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के कुछ ज़िले जैसे किन्नौर और लाहौल स्पीति में तो अप्रैल महीने में भी बर्फबारी हो जाती है।
बर्फ में चलते हुए कंवर सिंह को अपने पैर ठंड से बचाने पड़ते हैं क्योंकि स्नो बाइट का डर रहता है। इन ज़िलों में उसे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता है। प्रश्न, कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि क्यों और कब मिली? उत्तर, अपनी जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए भारत सरकार ने कंवर सिंह को बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि दी। यह इनाम उसे 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिला, एप्रिसिएशन लेटर। जनरल पोस्ट ऑफिस कहाँ था? अब रिकैप्चुएशन कर लेते हैं, छोटे छोटे प्रश्नों द्वारा पूरे पाठ की हम रिविज़न कर लेंगे। जनरल पोस्ट ऑफिस कहाँ था? शिमला माल रोड पर। कौन कौन डाक छांटने का काम कर रहे थे? दो पैकर तथा तीन महिलाएं। कंवर सिंह कहाँ का निवासी था? हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले के नेरवा गांव का। लघुत्तरीय प्रश्न, कंवर सिंह की उम्र कितनी थी? उत्तर, 45 साल। कंवर सिंह के परिवार में कौन कौन थे? चार बच्चे जिनमें तीन लड़कियाँ एक लड़का। कितनी लड़कियों की शादी हो चुकी थी? दो लड़कियों की। कंवर सिंह के बेटे के साथ क्या दुर्घटना हुई? वह लकड़ियां लाते हुए पहाड़ी से गिर गया और उसकी यात्रा उपलब्ध है? नहीं। कंवर सिंह के बच्चे कितनी दूर चलकर स्कूल जाते थे? लगभग 5 किलोमीटर। पहले कंवर सिंह क्या काम करते थे? उत्तर, भारतीय डाक सेवा में डाक सेवक थे। अब वह किस पद पर आ गए थे? वह पैकर बन गए थे, यानी के नीली वर्दी वाला डाक सेवक। प्रश्न, डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? उत्तर, चिट्ठियां, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन गांव-गांव पहुंचानी होती है। प्रश्न, भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा क्यों मानी जाती है? उत्तर, यह बहुत सस्ती है, केवल 5 रुपये मात्र में देश के किसी भी कोने में हम पत्र भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही होता है, यानी 50 पैसे में अपना संदेश भेज सकते हैं। प्रश्न, शुरू में कंवर सिंह कहाँ काम करते थे? उत्तर, लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में। उन्होंने उस गांव में कितनी देर नौकरी की? उत्तर, 3 साल। हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? उत्तर, किब्बर। प्रश्न, कंवर सिंह ने काजा गांव में कितनी देर तक नौकरी की? उत्तर, 5 साल। पैकर के बाद डाकिया बनने के लिए क्या करना पड़ता है? उत्तर, 1 परीक्षा पास करनी पड़ती है। प्रश्न, कंवर सिंह के साथ 29 जनवरी 1998 को क्या दुर्घटना हुई? दुर्घटना के बाद उन्हें कहां दाखिल कराया गया? उत्तर, उनको 5-6 लोगों ने पीटा और उनका सिर भी फट गया था। दुर्घटना के बाद उन्हें इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल करवाया गया। प्रश्न, भारत में पहला डाकघर कब, किसने और कहां खोला था? उत्तर, भारत में 1 अप्रैल 1854 को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता शहर में पहला डाकघर खोला था। लेट्स नॉट फियर व्हेन ऑल द डाउट्स आर क्लियर। ज्ञान की पोटली खोलते हैं। दिए गए शब्दों के साथ विशेषण लगाओ, जैसे पहाड़ी इलाके, तो इलाका जो है वो विशेष्य है, उसका विशेषण क्या है? पहाड़ी। जितने भी पीले रंग में मैंने रंगे हैं वे शब्द विशेषण है, और सफ़ेद वाले विशेष्य। भारतीय डाक सेवा, उत्तम कार्य, निर्मल आकाश, पूर्वी जिला, गुनगुनी धूप, दयालु माँ बाप। भारतीय, उत्तम, निर्मल, पूर्वी, गुनगुनी, दयालु, ये सब विशेषण हैं। शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। ग्रामीण, ग्रामीण सरल जीवन बिताते हैं। पुरस्कार, कल अगस्त्य को 2 पुरस्कार मिले। इम्तिहान, मेरे इम्तिहान सितंबर में हैं। गुनगुनी, दादाजी गुनगुनी धूप में बैठे हैं। बर्फबारी, सर्दियों में मनाली में बर्फबारी होती है।
समानार्थी शब्द लिखो। दिन, दिवस, वार, वासर। जवाब, उत्तर। परिवार, कुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना। घर, सदन, गृह, आलय। बेटा, सुत, तनय, पुत्र। विलोम शब्द लिखो। साधारण, असाधारण, पहाड़ी, मैदानी, दुख, सुख। शहर, गांव, दूर, पास, मुश्किल, आसान। शब्दों के अर्थ लिखो। गुनगुनी, हल्की, मध्यम। महीना, मास। प्रश्न, भारतीय डाक सेवा पर अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, भारत में 1 अप्रैल 1854 को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोलकाता शहर में पहला डाकघर खोला था। अब भारतीय डाक सेवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जाती है। इट फॉल्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे समय और धन दोनों की बचत कर आवश्यक वस्तुओं को हमारे द्वार तक पहुंचाती है। डाकघर तरह तरह से जनता की सेवा करता है। मध्य वर्ग के लिए यह वरदान से कम नहीं। उन्हें बहुत कम खर्च में अत्यधिक सुविधाएं डाकघर उपलब्ध करवाता है। संसार के सबसे बड़ी डाक सेवाओं में भारतीय डाक सेवा प्रमुख है। देश के छोटे गांव, कस्बे से लेकर शहर और हर राज्य में लाखों की संख्या में डाकघर उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से लिफाफा, मनी ऑर्डर, पोस्ट कार्ड आदि एक स्थान से दूसरे डाक पते पर आसानी से भेजा जा सकता है। सरकारी दस्तावेज, बैंक आदि द्वारा भेजे गए दस्तावेज, आधार कार्ड आदि भी ग्राहकों को डाक द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का भारतीय डाक सेवा के साथ अनुबंध है, टाइप है। बहुत कम सेवा शुल्क में यह ग्राहक तक उनकी सामग्री को पहुंचाने का कार्य करते हैं। लोग छोटी छोटी बचत के पैसे को भी पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रख सकते हैं तथा उचित ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न, भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा कैसे है? उत्तर, वर्तमान में भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। देश के छोटे गांव, कस्बों से लेकर शहर और हर राज्य में लाखों की संख्या में डाकघर उपलब्ध हैं। डाकघरों के माध्यम से लिफाफा, मनी ऑर्डर, पोस्ट कार्ड आदि एक स्थान से दूसरे डाक पते पर आसानी से भेजा जा सकता है। बैंक और सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड आदि भी ग्राहकों को डाक द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। कई ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का भी भारतीय डाक सेवा के साथ अनुबंध है। बहुत कम सेवा शुल्क में यह ग्राहक तक उनकी सामग्री को पहुंचाने का कार्य करते हैं। हम अपनी छोटी छोटी बचत के पैसे को भी पोस्ट ऑफिस में सुरक्षित रखकर उचित ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। तो यहाँ पर सफ़ेद रंग में जो शब्द हैं वो अशुद्ध हैं, पीले रंग वाले शुद्ध हैं। मुश्किल, बर्फबारी, चिट्ठी, सर्दियाँ, ग्रामीण। अब बच्चों, हमने यहाँ पर स्नो बाइट के बारे में पढ़ा है, यानी कि शीत दंश किसे कहते हैं, इसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं। शीत दंश तब होती है जब शरीर के अंग जैसे उंगलियां, पैर की उंगलियां, कान ठंडे मौसम के संपर्क में आने से घायल हो जाते हैं। सर्दियों में अधिक ऊंचाई पर शीत दंश होने की अधिक संभावना होती है। यह तब भी हो सकता है जब त्वचा ढकी हुई हो। शीत दंश के लक्षण, सबसे पहले त्वचा ठंडी हो जाती है और चुभन का एहसास होता है। त्वचा सुन्न हो जाती है। त्वचा लाल, सफ़ेद, नीली, सफ़ेद, भूरी, पीली, बैंगनी, सख्त या मोमी दिखती है। जोड़ों और मांसपेशियों में अकड़न होती है। गंभीर मामलों में त्वचा गर्म करने के बाद फफोले आदि पड़ जाते हैं। तो स्नो बाइट से ये बचने के
आपको उपाय पता चल गए, लक्षण पता चल गए। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। इफ यू लाइक आर कंटेंट बैक टू स्कूल मिसेस सविता खोसला चैनल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई विल रियली अप्रिशिएट। थैंक यू।